यूपी चुनाव 2022 ओपिनियन पोल, क्या होगा यूपी विधानसभा चुनाव का नतीजा, कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही चुका है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू भी हो चुकी है। राज्य में सत्ताधारी भाजपा के आगे सरकार बचाने की चुनौती है। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा उसे विपक्ष की धार को भी कम करना होगा। राज्य में बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी प्रमुख दलों में शामिल है। इनके अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM भी इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ का चेहरा सबसे बड़ा हो गया है। 53.81% लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा करार दिया है और वहीं 31.17% लोगों ने भाजपा के लिए अभी भी पीएम मोदी को वोट खींचने वाला सबसे बड़ा चेहरा करार दिया है। वहीं 15.02% लोगों का कहना है कि मोदी और योगी में से भाजपा के लिए वोट खींचने वाला चेहरा कौन होगा इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते हैं। इस मुद्दे पर वोट देंगे यूपी वाले, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, यूपी की जनता के मन में विकास और रोजगार का मुद्दा सबसे प्रभावी है। बेटी ऑनलाइन पोल में 38.57% लोगों ने विकास और रोजगार का मुद्दा माना है। पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार के काल में विकास के मुद्दे के नाम पर सरकारी पैसे की लूट का मामला भी खूब उछाला जा रहा है। वहीं नौकरियों में भी कुछ विशेष वर्गों की तरजीह दिए जाने पर भी मसला उठाया गया है। इस बार जनता की राय विकास और रोजगार के मुद्दे पर जीती जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा एक दो बहुत बड़ी पार्टी उभर कर आ रही हैं। यहाँ तक हम देख सकते हैं कि यूपी में दो ही पार्टी एक ऐसी हैं जिनके बीच एक घमासान इस बार यूपी में होने वाला है। दोस्तों, बीजेपी और सपा से ही मिलेगी असली चुनौती। सर्वे में लोगों ने कहा कि भाजपा को गठबंधन से सीधी टक्कर मिल रही है। हालांकि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को लेकर लोगों में टक्कर देखने को नहीं मिल रही है। वहीं भाजपा को किसी से टक्कर नहीं मिलेगी, ऐसा मानने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है और दोस्तों इसकी संख्या लगभग 67.07 मानी जा रही है। 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च तक 2017 तक 7 चरणों में हुए थे। इसमें लगभग 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें 63% से ज्यादा महिलाएं थी जबकि पुरुषों का प्रतिशत 60% रहा। चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर पहली बार यूपी विधानसभा में 3/4 बहुमत हासिल किया। वहीं अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 54 सीटों की जीत सका। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की बीएसपी सीटें सिर्फ 19 ही रहीं और इस बार आपको बता दें दोस्तों कि सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही है और तो कोई दूसरी तीसरी पार्टी इस चुनाव में टक्कर देती नहीं नजर आ रही है। तो दोस्तों, और इस बार भाजपा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये तो नतीजे तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक ही बात आपको बतानी चाहिए कि इस बार यूपी में किसकी लहर चल रही है। जैसे 2017 में मोदी की लहर चली थी, इस बार कुछ पता ही नहीं है, मामला 50-50 का है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और कमेंट भी करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को शेयर भी करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं अपने अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।